तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक नई पेन ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको शायद अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आज एक पिंक कलर का पेन यूज़ करने वाला हूँ, जिसे मैं एक दूसरे कलर के पेन में बदलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, फिर इसका ट्यूटोरियल दूंगा। तो चलिए मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पेन है, मैं पेन स्विच करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, मैंने इस पेन को ग्रीन कलर के पेन में चेंज कर दिया है। देखिए, ध्यान से देखिए। होप्स आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और चलिए मैं आपको इसका ट्यूटोरियल देता हूँ। सो गाइस, चलिए मैं आपको इसका ट्यूटोरियल देता हूँ कि आखिरकार मैंने ये ट्रिक की कैसे। आपने पहले गौर नहीं किया होगा, मेरे पास पहले से यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पेन था जो रबर बैंड के थ्रू यहाँ पे टच था, और फुल स्लीव्स के वजह से ये ढका हुआ था। और एक और बात, मेरे पास यहाँ पे एक टोपन भी था जो आपने पहले गौर नहीं किया था, वो रबर बैंड के थ्रू स्लीव्स के अंदर पिन से अटैच है। तो दिखा देता हूँ वो आपको मेथड कैसे करना है। ये पिन है, इसको यहाँ से अटैच करना है रबर बैंड को ये टोपन के साथ, और फिर बाद में आपको सिंपली इसके स्लीव्स बंद कर लेने हैं, जो कि कर लिए हैं मैंने। फिर आपको दिखाना है कि ये मेरे पास एक पेन है विदाउट टोपन का। तो और उन्हें शक भी नहीं जाएगा कि आप रबर बैंड के थ्रू अंदर स्लीव्स के अंदर घुसा भी सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट टोपन के है। तो देखिए, ये मेरे पास पेन है। जब आप दिखाएंगे उन्हें तो बोलेंगे, मैं इसे घुमा के भी दिखा देता हूँ। घुमाते वक्त इस टोपन के अंदर डाल दीजिए और इस तरह से छोड़िए कि ये अंदर चले जाए। अंदर जाते ही ऐसे करके छोड़ेंगे आप, और इस पेन को ऐसे निकाल लेंगे और वो स्लीव के अंदर चली जाएगी पेन। और आप उन्हें ऐसे दिखा दीजिए कि भाई ये आपका कलर चेंज हो चुका है पेन का। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।